ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में 8 दिवसीय हिमाचल उत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ शुरू हो गया। पहली सांस्कृतिक संध्या में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दीप प्रज्वलित करके उन्होंने उत्सव का विधिगत उद्घाटन भी किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप और ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन कृपाल सिंह परीचा बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर हिमाचल में सबसे ज्यादा सोलन में नशे पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा और SHO धर्मसेन नेगी को हिमाचल रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही चिट्टे को जड़ से उखाड़ने की मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थिएटर आर्टिस्ट मुनीश कुमार ने अपनी प्रस्तुतियों से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी भी दी। कार्यक्रम के दौरान ग्रीन हिल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों और पंजाब की कलाकार सूची अरोड़ा JK डांसिंग जोन ने बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर सबको नाचने पर मजबूर भी कर दिया। सोलन में 8 दिवसीय हिमाचल उत्सव का आयोजन धूमधाम से आरंभ हुआ। पहली सांस्कृतिक संध्या में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि ने उत्सव का विधिवत आरंभ किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप और ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन कृपाल सिंह पसरीजा बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर हिमाचल में सबसे ज्यादा सोलन में नशे पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार और SHO धर्मसेन नेग को हिमाचल रक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं चिट्टे को जड़ से उखाड़ने की मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थिएटर आर्टिस्ट मुनीश कुमार ने अपनी प्रस्तुतियों से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। वहीं ग्रीन हिल्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों और पंजाब की कलाकार सूची अरोड़ा SJ डांसिंग जोन ने बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल सरकार का एक ही लक्ष्य है, प्रदेश से नशे को जड़ से समाप्त करना, जिसके लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सोलन पुलिस सराहनीय कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें भारत के युवाओं को नशे के जाल में फंसा कर खोखला करने में लगी हैं, लेकिन वे सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे के प्रति लगातार जागरूक कर रहे हैं, इसलिए वे उसे नियंत्रित करने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। उन्होंने अभिभावकों से निवेदन किया कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें नशे में न पढ़ने दें। उन्होंने ये भी कहा कि निजी स्कूलों में विद्यार्थी नशे में ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके परिजन अपने बच्चों को ज्यादा पैसा देते हैं, जिसका उपयोग वे नशे के लिए करते हैं। लेकिन इसको पहले समझा आपने जो है डेडिकेट की है नशे के प्रति, आपने सम्मानित किया है पुलिस को, तो इसलिए मैं इस पर जो है वो थोड़ी चर्चा ज्यादा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आवश्यकता इस बात की है कि हम नशे की कुफत में आए हैं। उसके लिए एक तो स्कूल के सभी अध्यापकों के, स्कूल की सारी मैनेजमेंट की, और साथ साथ जो है वो हमारी SMC जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज है, हमारे अभिभावक संघ है, उनकी सुनवाई जो है उसके लिए जो है निश्चित की जानी चाहिए। ये मुझे लगता है कि किसान जो है वो इसके लिए जो कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है बहुत प्रसाद सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है पेरेंट्स की है, वो छुपाते हैं। जब बच्चा जो पता भी चल जाता है उनको, तो वो कोशिश करते हैं जब पता न चले अपने लेवल पर किसी ऐसे अनऑफाइल जो है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में चले जाते हैं, जहाँ कई बार जो है वो ठीक होने के बजाय और ज्यादा जो है। तो इसलिए इस दृष्टि से पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत। SP साहब जब नशा आ गया तो उन नशेड़ियों को या नशा बेचने वालों को पकड़ेंगे, लेकिन मेरे पास शिक्षा विभाग है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि नशे में कोई फंसे ही ना, इसलिए जो है शिक्षा को जो है महत्व है। और ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी भी जो हमारे शिक्षा विभाग में काम करने वाले शिक्षक हैं, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, इसमें सरकारी स्कूल नहीं है, अधिकांश जो है वो हमारे जो बड़े बड़े कहलाने वाले गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं, उनके बच्चे इसमें ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है।